देख रहे हैं कुकिंग विश्नाथ यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए खुरमी खास्ता टिकिया लेके आई हूँ। हमें चीजें चाहिए, आधा किलो फाइन आटा है, इसको मैंने छान लिया था, एक कप चीनी है, तीन इलायची है, ये छोटी इलायची 1/4 कप मैंने वो पहले मैं खसखस ली थी, इसको मैंने भिगो कर धो ली थी। 1/4 कप तिल है, एक प्याली पिसा हुआ नारियल है और एक प्याली मैंने घी लिया है। आटे में हम एक प्याली घी डालेंगे। अब हम सारा इसमें घी डाल देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे घी को सही तरीके से। देखें किस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से करिएगा। फ्राई पैन लेंगे हम, इसको तिल को रोस्ट करेंगे। रोस्ट हमें करना है 2-3 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे करना है इसको, वरना जल जाएंगे। ये रोस्ट हो गया, हम निकालेंगे हम इसको। फ्राई पैन लेंगे हम इसमें खोपरा डालेंगे। अब इसको भी हम रोस्ट करेंगे, इसको भी 1-2 मिनट के लिए करेंगे हम, मीडियम आंच पे करेंगे हम। देखिए खोपरा भी 1-2 मिनट हमने कर लिए, अब इसको निकालेंगे हम। फ्राई पैन लेंगे हम, इलायची के दाने रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट के लिए, इसको भी रोस्ट करेंगे हम और धीमी आंच पे। बिल्कुल रोस्ट हो गए ये भी, खसखस डालेंगे हम। इसका पानी खुश्क हो जाएगा जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। देखिए इसका भी पानी खुश्क नहीं हुआ, जब तक इसका पानी खुश्क ना होए जब तक हमें इसको भूनना है। जब तक ये खसखस रोस्ट हो रही है हम इसको चीनी को पीस लेते हैं। देखें ये रोस्ट हो गया, इसका पानी खुश्क हो गया। देखें ये चीनी पीस गई है। देखें इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है, मैंने सारा सामान डाल दिया है। अब हम सब चीज़ों को मिलाएंगे। जैसे मैं मिला रही हूँ आपको भी इसी तरीके से मिलाना है। ये बड़ी टेस्टी और मज़े की बनती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे हम। इसकी टिकिया भी बनती है, इसकी रोटी भी बनती है। अब फिर लेंगे हम पानी थोड़ा सा। फिर गूंदेंगे हम। मेरे स्टेप को देखते रहना आप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए आटा गुन गया है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए 20 मिनट हो गए, अब हम इसको पेड़े बनाएंगे। इसके साइड में रखेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें बनाने हैं इसके। अब हम इसको काटेंगे। आप गिलास से या किसी से भी चीज़ से काट सकते हैं।
और बनाएंगे हम। पहले से मैंने तेल गरम करने रख दिया था चूल्हे पे, अब हमने बेल लिया इसको, अब हम इसको कटिंग करेंगे। और देखिए इसमें आप बड़ा पेड़ा भी ले सकती हैं जिसमें बहुत सारे आए, मैंने इसमें तीन बनाए। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तेल मैंने पहले से गर्म कर लिया था, अब हम इसमें ये डालेंगे। दरमियानी आंच पे तेल गर्म करना है। एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ हम पलटेंगे। अब अभी यादी नहीं हुई हमारी, अभी हम इसको वापस पलटेंगे। देखिए ये तैयार हो गए, अब हम इसको निकालेंगे। और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए कुर्मी की टिकिया तैयार हो गई, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है। ये देखें, मैं खा के भी दिखाती हूँ कितने मजे की है। बहुत ही मजेदार और खस्ता बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी लौट के नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।